हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल चलिए जानते हैं इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, नए यूट्यूबर्स जो यूट्यूब ज्वाइन कर रहे हैं और शायद अपना उसमें करियर भी ढूंढ रहे हैं, तो यूट्यूब में करियर को लेकर के मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि यूट्यूब को करियर बनाया जा सकता है कि नहीं, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अगर कमेंट में आप लिखते हैं, 20 से ज़्यादा कमेंट आते हैं इसके लिए, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। और बात कर लेते हैं, एक जो समस्या है यूट्यूब चैनल क्रिएटर की जो नए हैं यूट्यूब में, और 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम उनका हो गया है और वो मोनेटाइजेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। उनका चैनल है अभी रिव्यू में, तो वो चीज़ें जो उनके अंदर सवाल हैं उसके भी मैं जवाब दूंगा। और हाल ही में मेरा भी चैनल मोनेटाइज हुआ है और उसमें क्या क्या सवाल रहते हैं दिमाग में, जो कि मेरे भी दिमाग में रहे हैं, तो उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। तो चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम के बाद जो मोनेटाइजेशन की रिव्यू होती है, और उसमें कई लोगों के ये सवाल होते हैं कि अगर कोई कॉपीराइट क्लेम आ गया हुआ है और उसकी वजह से क्या रिव्यू में कोई दिक्कत होती है। तो दोस्तों, अगर आपके चैनल पे भी कॉपीराइट क्लेम है या कम्युनिटी गाइडलाइंस का कोई क्लेम आता है, तो मोनेटाइजेशन होने में रिव्यू में टाइम लग सकता है। और जब उसका पीरियड ख़त्म हो जाता है 90 डेज का, तो उसके बाद ही आपका चैनल रिव्यू होगा। और लोगों की एक ये समस्या है कि अगर उनके पास उनके चैनल पर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुकी है तो उनका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, तो ये गलत चीज़ है। और आप मान के चलिए कि अगर आपके चैनल पे कॉपीराइट आया है, तो वो साल भर के अंदर अगर आपका 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम हो चुका है, तो आपका चैनल रिव्यू में जाएगा और मोनेटाइजेशन में होगा, अगर कॉपीराइट भी आपके ऊपर है तो भी, लेकिन 90 डेज का पीरियड निकल जाने के बाद। तो एक दूसरा ये क्वेश्चन भी आता है कि मोनेटाइजेशन कितने दिन में हो सकता है चालू। तो दोस्तों, 1 साल के अंदर का टाइम है। मुझे लगभग मेरा चैनल 13 मार्च 2018 में मैंने बनाया था, और अभी फरवरी 19 को मेरा चैनल रिव्यू में पास हुआ, यानी लगभग 11 महीने के आसपास मेरे चैनल में मोनेटाइजेशन हुई है। तो दोस्तों, समय तो लगता है लेकिन मोनेटाइजेशन हो जाएगा। तो ये एक सवाल जो मैं भी काफ़ी परेशान था कि 11 महीने हो गए और मेरे चैनल को अभी तक मोनेटाइजेशन नहीं मिली, लेकिन फाइनली वो मिल गई। दोस्तों, एक और क्वेश्चन आता है कि मोनेटाइजेशन के बाद आपका जो एडसेंस अकाउंट है उसको आईडी की वेरिफिकेशन और एड्रेस वेरिफिकेशन। पहले ऐसा होता था कि आपका एड्रेस वेरिफिकेशन होता था, पिन आता था और आप वेरीफाई कर लेते थे और पेमेंट के लिए एलिजिबल हो जाते थे $10 के बाद। लेकिन अब दोस्तों, $10 के बाद पहले आपको एक एक्शन करना होगा, यानी एक मैसेज आएगा जिसमें आपको अपनी आईडी वेरीफाई करानी होगी एडसेंस अकाउंट में। तो दोस्तों, उसमें कई लोगों को ये दिक्कत होती है कि क्या वेरिफिकेशन कराई जाए आईडी में। तो दोस्तों, आधार कार्ड, वो आपसे एड्रेस की वेरिफिकेशन नहीं मांग रहे हैं, आप अपना पैन कार्ड भी दे सकते हैं, आधार कार्ड का फ्रंट साइड का कॉपी भी दे सकते हैं, वोटर आईडी भी दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, नाम बिल्कुल सही होना चाहिए, नाम में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और एज भी आपकी 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, यानी जो आपने जीमेल अकाउंट में अपना एज डाला है वही आईडी पर भी होनी चाहिए। तो दोस्तों, एड्रेस हमें नहीं भेजना है, हमें सिर्फ और सिर्फ आईडी की फ्रंट साइड की कॉपी भेजनी है, जिससे ये साबित हो सके एडसेंस अकाउंट में कि ये जो अकाउंट है उसी बंदे का है और उसकी एज 18 साल से ऊपर है और सेम डेट ऑफ बर्थ मैच करती हो। तो दोस्तों, ये चीज़ एक तो क्लियर हो गई होगी आपको कि आईडी वेरिफिकेशन में आपको फ्रंट साइड का ही देना है। अब बात करते हैं एड्रेस वेरिफिकेशन की। तो एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए वही पुराना रूल है, एक पास पिन आएगा आपके पास एडसन से, जो कि मुझे आ गया है, वो मैं भी आपको
दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये आ चुका है मेरे पास गूगल का एडसेंस का, और ये स्पीड पोस्ट से आया है, स्पीड पोस्ट, और ये डिलीवर हुआ मेरे को 16 तारीख को, यानी 16 अप्रैल को पिन मेरी जनरेट होकर के डिस्पैच कर दी गई थी, और ये 22 अप्रैल को मुझे रिसीव हो गया, यानी 5 दिन के अंदर ये मेरे पास आ गया। तो दोस्तों इसकी भी अनबॉक्सिंग होगी और मैं अभी डाल के आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पर। तो दोस्तों ये आ गया वेरिफिकेशन का मार्क, और एक्शन पे जाने के बाद अब हमें यहाँ पे एंटर करना है पिन। तो दोस्तों ये सबमिट करना है, और सिर्फ 3 ही बार आपको मौके मिलते हैं। अगर आपने इनकरेक्ट किया तो आपका जो एडसेंस अकाउंट है वो सस्पेंड हो सकता है, इसीलिए ध्यान से करें। और ये मैंने कर दिया। तो दोस्तों फिर से हम साइन इन करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो एड्रेस वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए लोडिंग ले रहा है, और तो दोस्तों पेमेंट के ऑप्शन पे जाने पर हमको दिखना चाहिए, लेकिन अब वो नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो एड्रेस वेरिफिकेशन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों ये स्क्रीन पर मैंने डाल दिया, एड्रेस वेरिफिकेशन हो गई है। और जो सवाल आपके मन में थे कि आईडी का क्या है, आईडी किस तरीके से देनी है, तो सिर्फ फ्रंट साइड की देनी है, और उनको सही तरीके से आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों अगर भी कोई भी समस्या अगर आपको होती है या कोई क्लियरिफिकेशन करनी है, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और दोस्तों करियर की बात करें तो YouTube में करियर कितना है, क्या स्कोप है, वो सारी चीजें मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगा कि आपको क्या YouTube पर ही रहना चाहिए या फिर कुछ और भी करना चाहिए। तो आप लोग बने रहें। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।